हाँ देखो ये दोस्तों लास्ट पीरियड का जो प्रॉब्लम है 63 और 66 थोड़ा मिस्टेक से उसमें थोड़ा एक बार देख लो, मैंने वहां पर आपको आंसर डायरेक्ट बताया था। अब 63 के लिए देखो एक रिवाइज करता हुआ 63 के लिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स क्यूब है वहां पर देख लो, सॉरी आप प्रिंट मिस्टेक है, अभी ऐसा है क्वेश्चन। ये क्या है यार ऑड इवन के लिए क्या था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसा नहीं सकते ना, एक काम करो इसको ऐसा लो माइनस 1/2 प्लस 1/2 1 बाय क्या ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, और ये प्लस माइनस 1/2 टू प्लस 1/2 एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिले। देख लो ये स्क्वेयर है यानी यहां पर क्या ये इवन है ना, ये एक्स स्क्वेयर है यानी ये इवन है, और ये क्या है एक्स क्यूब है यानी क्या था ये ऑड। समझ में आया तुम्हारे लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स का स्क्वेयर यानी प्लस एक्स स्क्वेयर यानी एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट वन इवन, ये फर्स्ट है इवन है ना, ये फर्स्ट हमारे लिए इवन है। अब सेकंड के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस एक्स का क्या है क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी माइनस एक्स क्यूब बाय ये 4 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स यानी ऑड है नहीं, ये क्या है ये जो है ये ऑड है ना, फर्स्ट इवन सेकंड ऑड यानी कंपल्सरी। इसके लिए क्या है मेरे पास ये 2 टाइम्स 0 टू 1/2 dx by 4 minus x square और ऑड के लिए 0, ये फार्मूला 2 into 1 by 2 a यानी 2 है log of 4, ये 4 यानी ऑड a plus x a minus x from 0 to 1 by 2 कितना आता है ये 1 by 2 log of 2 plus 1 by 2 यानी 5 by 2 2 minus 1 by 2 यानी what 2 minus 1 by 2 यानी 3 by 2 है, 0 के लिए छोड़ दो बना था नहीं माइनस 0 यानी और नॉट 2 बाय 2 यानी नॉट 1 यानी 0 कितना था ये 1 बाय 2 नॉट 5 बाय 3 है, ये है ऑप्शन नंबर ए 63 के लिए। अब इसी तरह 66 के लिए एक बार ये दो क्वेश्चंस लास्ट पीरियड के हैं, वो वहां पर थोड़ा मिस्टेक थे देख लो, एक मिस्टेक है और एक थोड़ा जल्दी से हुआ। हाँ नेक्स्ट 66 के लिए हम 66 के लिए लिमिट्स का लिमिट कहां से कहां तक है, 66 के लिए लिमिट हमारे पास 0 टू यहां पर है कि नहीं पाई है, मैंने पाई बाय 2 लिया था 66 के लिए लिमिट 0 टू पाई है, मैंने पाई बाय 2 लिया था 1 माइनस cos अल्फा * sin x dx क्या था ये आई प्रॉपर्टी 0 टू ए प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स बाय 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू वॉट साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स तो क्या था ये आई इक्वल टू 0 टू पाई पाई डी एक्स पाई डी एक्स बाय 1 माइनस क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, हाँ ये माइनस एक्स बाय 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स डी एक्स सही है 0 टू पाई ये 7 0 टू वॉट ये पाई आई है ये सेम आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई ये डी एक्स बाय 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स है, यहां पर क्या है ये आई यानी वॉट 2 आई इक्वल टू पाई यानी आई इक्वल टू वॉट पाई बाय 2 ये 0 टू पाई डी एक्स बाय 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, इसको सॉल्व कर सकते ना, इसको सॉल्व कर सकते तुम, हाँ देख लो क्या है ये हमारा मेथड क्या होना ये टी इक्वल टू टेन एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी बाय 1 प्लस एक्स 1 प्लस टी स्क्वेयर और साइन एक्स इक्वल टू टू टी बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये फार्मूला है ये एडजस्टमेंट करो और हमारे प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स है ना उसी के फॉर्म में सॉल्व करो यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए ऐसा था। देन हमारा जो कंटिन्यूइंग क्वेश्चन है लास्ट पीरियड में हम 75 तक आए थे, अब देख लो दोस्तों 76 नंबर, हाँ
76 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आओ। क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 76। के लिए क्या है, 1 2 3 यस एन टू 4 माइनस एक्स रेस टू 5 डीएक्स। ये कंपल्सरी हमारे लिए है, एक बार देख लो 76 के लिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 76। 76 के लिए क्या है, 1 2 3 यार देखो क्या है, ए टू बी प्रॉपर्टी वन, ए टू बी एन वॉट ए प्लस बी माइनस एक्स एन वॉट 4 माइनस एक्स एन वॉट एक्स रेस टू 5 डीएक्स। फिर कितना आता है, 1 2 3 क्या है, 4 x^5 माइनस एक्स रेस टू कितना है 6 है, ये डीएक्स है। क्या है, 4 x^6/6 माइनस x^7/7 है, कितना आता है 1 2 3। फिर कितना है ये देख लो, ये अंदर लो ए एक्स 5 और ये 6, फिर ये 6 और ये 7 मिलता 2/3 थीटा है ना, ये 2/3 देख लो, फिर कितना ये 2/3 फिर थीटा कितना ये पावर 6 माइनस 1/7 थीटा पावर कितना ये 7 माइनस कितना ये 2/3 इंटू 1 माइनस 1/7 ये कैंसिल होता है। ये क्या है, ये उसको पूरा सॉल्व करने के बाद 2/3 है, फिर कितना था 2 इंटू 3 का 5 माइनस 1/7 × 3 का 7 है माइनस कितना 14 माइनस 3 है ना, 14 माइनस 3 यानी वन 11/21 है। यहाँ पर भी 21 आने दो, क्या होता है 6 लेंगे और यहाँ पर 3 लेंगे, ये भी कितना था फिर 21 आता है, 21 यानी वन 3 का इसमें से हम 3 का 6 कॉमन लेंगे, फिर 2 माइनस कितना है 3 का कितना आता है ये 2 माइनस 3 का पावर कितना है ये 21 ले लो, एलसीएम यानी कितना होता है ये 14 है, 14 माइनस 3 का कितना आता है ये क्रॉस कर रहे 8 आता, 8 में से 6 आ गया है यानी 3 का 6 आता, 3 का 6 9 आता है, माइनस 11 अगेन देख लो 3 का 6 समझ आ रहे हैं यहाँ पर कितना है ये 14 और ये माइनस 3 है ना, अब 3 का कितना बचता है ये 3 का 8 हुआ, 8 में से 6 आए बाहर यानी 3 का 9 बचता है, ये 3 का 6 यानी व्हाट देख लो ये 9, ये 9 वन द 9 और 9 इन द 72 इनटू ये कितना था ये 5 माइनस 11 बाय 21 है, देख लो कितना था ये 20 बाद में कितना है ये 45 4 10 + 4 14 1 36 माइनस 11 बाय 21 कितना था ये 3 देख लो ऑप्शन क्या है 36 है 3 6 3 4 by 21 ये ऑप्शन नंबर ए 76 के लिए 77 के लिए है ना 77 के लिए प्रॉपर्टी 77 के लिए प्रॉपर्टी यूज करो ए टू बी 77 के लिए प्रॉपर्टी यूज करो है ना डायरेक्ट होना ये क्या होना ये ए टू बी रूट एस बाय अंडर रूट ऑफ एस अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी माइनस एस डी एस ये दोनों सेम है ना तो प्रॉपर्टी कंपल्सरी ऐसा होना ए टू बी यानी क्या था ये रूट एस यानी ए प्लस बी माइनस एस अंडर रूट ऑफ एक्स यानी ए प्लस बी माइनस एक्स और ये प्लस एक्स है ये डी एक्स ये दोनों का एडिशन ये टाइप का प्रॉब्लम देख लो आगे आया तो मैंने बताता होमवर्क देता मैं ये देख लो ए
टू बी का ये प्रॉपर्टी यूज करवा, फिर क्या मिलता है हमारे लिए, ये ए टू बी के लिए, हाँ क्या है ए टू बी के लिए एडिट दोनों का एडिशन यानी व्हाट, ए टू बी वन, वन के लिए कितना था ये वन बाय टू, वन का एक्स फ्रॉम ए टू बी यानी व्हाट वन बाय टू बी माइनस, ये है क्वेश्चन नंबर है। इसके लिए देख लो क्या है बी सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 78 के लिए आप 78 यानी व्हाट, कहां पर जीरो था हाइट होता जीरो, मॉड एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो या एक्स इक्वल टू फाइव है, तो क्या हो रहा है जीरो टू फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस आता है डी एक्स प्लस, फिर क्या ये फाइव टू एट डी एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव डी एक्स है, फिर क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस प्लस फाइव इंटू वन टू एक्स फ्रॉम जीरो टू फाइव प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फाइव एक्स फ्रॉम क्या ये जीरो फाइव टू एट है, कितना था ये देख लो, हाँ तो सॉल्व करो ये क्वेश्चन नंबर 78 तो सॉल्व करो, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 78 क्या है 78 के लिए देख लो, आगे कितना था ये माइनस 25 बाय टू प्लस फाइव फाइव दर 25 माइनस जीरो यानी छोड़ दो है जीरो छोड़ दो हाँ प्लस अगेन 8 का स्क्वायर 16 बाय टू, 16 बाय टू यानी व्हाट 8 माइनस कितना आता है 40 माइनस कितना ये 25 बाय टू माइनस कितना आता है माइनस 55 का 25 फिर कितना है माइनस 25 बाय टू प्लस 25 माइनस 36 माइनस 25 बाय टू प्लस 25 कितना ये 25 25 50 बाय टू यानी व्हाट माइनस 25 ये प्लस 25 ये 50 आते ना ये 50 माइनस कितना है 36 25 माइनस 36 प्लस 25 माइनस 36 यानी व्हाट आंसर, एक बार फिर से देख लो हाँ कितना आता है 5 8 सॉरी 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 कितना यार 8 है यार 8 का स्क्वायर 64 बाय 2 यानी 32 देन 8 5 का 40 देख लो फिर 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 और 5 5 का 25 कितना आता है माइनस कितना आता है 8 आता माइनस 8 माइनस 8 यानी कितना ये 50 है फिर कितना था देख लो ये माइनस 50 बराबर यानी माइनस 25 माइनस 8 और प्लस 50 राइट यानी कितना था 17 आता 17 यानी के ऑप्शन 17 यानी के ऑप्शन 79 के लिए प्रॉपर्टी है ना 79 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है 79 के लिए देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 79 के लिए है ऑड इवन की प्रॉपर्टी माइनस 100 टू प्लस 100 यानी ओनली वन यू विल लेट ओनली एफ ऑफ एक्स यानी लास्ट ऑप्शन देख लो ये 79 के लिए माइनस 100 टू प्लस 100 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आता ना 100 टू 100 एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स है ऑड इवन का प्रॉपर्टी है देन एटी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है हमारे पास 80 के लिए 0 टू 3 ई रेज टू 2 माइनस 3 एफ डी एक्स है 80 के लिए देख लो फिर क्या है ई रेज टू 2 माइनस 3 एक्स बाय माइनस 3 फ्रॉम 0 टू 3 ई रेज टू कितनी अपन आते हैं 2 माइनस 9 यानी माइनस 7 बाय माइनस 3 माइनस ई रेज टू 0 यानी ई स्क्वायर बाय माइनस 3 कितनी अलग होती है माइनस माइनस प्लस है
किसके साथ है, माइनस माइनस प्लस ई स्क्वेयर माइनस सी रेस टू सेवन माइनस बाय थ्री है ना। ये है ऑप्शन नंबर बी सेकंड के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 80 के लिए सेकंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 81 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 81 देख लो, क्वेश्चन नंबर 81 देख लो, क्वेश्चन नंबर 81 के लिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 थ्योरी में है ना, क्वेश्चन नंबर 81 ये थ्योरी का क्वेश्चन है, एज इट इज है यार थ्योरी में, इसको ये होमवर्क देता है, इजी क्वेश्चन है ये, है सी ऑप्शन 82 के लिए आप क्या ये माइनस फाइव बाई टू, और क्या ये प्लस फाइव बाई टू, 82 क्वेश्चन है कोई बात होगा, 82 के लिए फाइव बाय फोर टू फाइव बाई टू है क्वेश्चन, 84 देख लो ये बराबर, 82 के लिए पाई बाय फोर टू पाई बाय टू मिस्टेक है यहाँ पर, हाँ क्या ये कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय टू प्लस क्या है साइन थीटा बाय टू इसका क्यूब, क्या आता है डीएक्स के लिए, हाँ क्या ये कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू प्लस क्या है साइन थीटा बाय टू इसका क्यूब है, कैसा सॉल्व कर सकते हैं इसको, ए स्क्वेयर ए एक बार कैंसिल होता ना यार, प्लस कैंसिल होता कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू बचता नीचे एक प्लस कैंसिल यानी कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू इसका क्या है स्क्वेयर, क्या था ये हा है इक्वल टू ए डी एक्स, हाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का क्रॉस है ना, इसको टी बोल दो ये ठीक है ना, इसको टी बोल दो ये वन बाय टू आता ना, ये वन बाय टू का टू आता है, ये टू इंटू वॉट डी टी बाय टी स्क्वेयर डी टी है कंपल्सरी, ये टी ऊपर डी टी ये थीटा बाय टू का वन बाय टू आता ना वो एज इट इज है, हाँ बाद में ये टू इंटू माइनस वन बाय टी है माइनस वन बाय टी फ्रॉम क्या ये फाइव बाय फोर टू, अब पुट करने के बाद चेंज होता है, पुट करने के बाद तुम इसको चेंज कर सकते डायरेक्ट ले लो क्या आता है कितना आता फिर वन बाय माइनस वन बाय टी यानी और टू इंटू आर माइनस वन बाय टी क्रॉस थीटा बाय टू यानी फाइव बाय फोर इंटू टू यानी ये क्या आता साइन फाइव बाय एक बाद में है, एक आने के बाद इसके लिए कंपलसरी जो है ना ए डी टी यानी ये फॉर्म क्या था फिर वो कंपलसरी क्या आता है ये माइनस रूट को आता है, देख लो ये ऑप्शन थोड़ा सा एक देख लो ये माइनस टू है एक माइनस टू माइनस वन बाय टी स्क्वेयर दिए माइनस वन बाय टी ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव क्रॉस इसको टी बोलने का ऊपर डी टी डी टी आ रहा डी टी यानी वॉट इसके लिए कि नहीं ये माइनस प्लस एडजस्ट होगा ये देख लो यहाँ पर बराबर वन बाय टी स्क्वेयर यानी ऐसा था, अब लिमिट भी चेंज होते वहां पर सपोज लिमिट भी चेंज होते लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें 82 के लिए ये लिमिट भी चेंज हो गया, तो लिमिट चेंज होने के बाद हमें एज इट इज मिलता हो जो भी है वहां तो क्या ये माइनस वन बाय टू फिर और एक आता ना लिमिट ये क्या है ये टू इंटू माइनस वन बाय टी फ्रॉम क्या ये सपोज हम लिमिट चेंज करेंगे बाद में माइनस टू इंटू क्या ये वन बाय कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू है ये माइनस टू हाँ कितना था ये फाइव बाय फोर है ना फाइव बाय पहले कितना है फाइव बाय फोर टू ये फाइव बाय टू आ रहा था है ये फाइव बाय टू और ये फाइव बाय फोर आता है यहाँ पर प्लस ये नीचे एन इट इज ये क्या है साइन
पाई बाय फोर है। अब ये माइनस, बाहर माइनस और ये अंदर माइनस यानी प्लस होता है यार, इसके लिए क्या है वन बाय क्रॉस पाई बाय एट और ये साइन पाई बाय एट है। ये तो ऊपर एल इंटर, ये देख लो एक स्टेप यहां पर लेता है, ये सपोज दूसरा में सूर्य में यहां पर क्रॉस पाई बाय एट प्लस साइन पाई बाय एट है। कितना था ये अच्छा वन बाय रूट टू देखो ये यहाँ पर लेता है ना, ये स्टेप यहाँ पर लेता है, फिर कितना ये माइनस टू वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस माइनस प्लस टू बाय कॉस पाई बाय एट और ये साइन पाई बाय एट, उसका इसकी ये स्टेप पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है, मैं इसको कंटिन्यूएशन में यहां पर लेता यहां पर ये टू बाय रूट टू यानी रूट टू, रूट टू यानी माइनस रूट टू प्लस टू बाय कॉस पाई बाय एट और प्लस क्या ये साइन पाई बाय एट। ये है पहली ऑप्शन नंबर सी, 70 82 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, 82 के लिए ऑप्शन नंबर सी देख लो, 83 के लिए हो गया क्वेश्चन देख लो थोड़ा अच्छा, एक लिमिट पुट करो, अच्छा मैंने एक स्टेप कम करा था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तुम ये देख लो क्वेश्चन सही है और तुम्हारा आंसर भी प्रिफेक्ट आता है। क्या ये 83 के लिए आई पुट क्या ये ई स्क्वे वन बाय लॉग एक्स माइनस वन बाय लॉग एक्स का स्क्वेयर आता नहीं, डेरिवेटिव लॉग एक्स इक्वल टू टी क्या आता फिर वन यानी एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी एक्स इक्वल टू ई लॉग ई का वैल्यू वन एक्स इक्वल टू ई स्क्वेयर लॉग ई स्क्वेयर यानी टी का वैल्यू टू इंटू लॉग यानी कितना था ये आई इक्वल टू वन टू टू ई रेस टू टी वन बाय टी माइनस वन बाय टी स्क्वेयर फॉर्मूला हमारा ई रेस टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स यानी वॉट e raised to t into 1 by t from 1 to 2 e raised to 2 1 by 2 e raised to 1 yani what 1 e raised to 1 into 1 by e 1 by 1 kitna aata hai dekho e square by 2 by e square by 2 minus e 83 ke liye the 84 ke liye partial fraction 84 के लिए तुम लोग सॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर ए 84 के लिए है पार्शियल फ्रैक्शन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आता। देन 85 के लिए थ्री का क्वेश्चन है, 85 के लिए हमारे थ्री का क्वेश्चन है, तुम एज इट इज उसका ऑप्शन याद रख सकते हैं, सी ऑप्शन आता वो बाय बाय ए, इसके लिए जो है ना ये ऑप्शन फोर लॉग ऑफ 7/4√6 84 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन और 85 का थ्री का क्वेश्चन है, तुम उसको कॉट को 1/10 करके एडजस्ट कर सकते और साइन बाय कॉस भी ले सकते हैं, साइन बाय कॉस भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने वाला है, यू कैन डू योर सेल्फ होमवर्क में 84 के लिए और 85 के लिए। यह है सी ऑप्शन।